नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के इन 5 जिलों के वार्डों की गलियां होंगी रोशन। राज्य भर में आज भी रहेगा ऑनलाइन कर्फ्यू। इस नए डिवाइस से चलती ट्रेन में आपको मिल सकेगी कंफर्म टिकट। डायल 112 पर फेक कॉल करने वालों पर होगी कार्रवाई। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी खेल सकते हैं विदेशी टी20 लीग। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के इन 5 जिलों के वार्डों की गलियां होंगी रोशन। आने वाले समय में बिहार के 5 जिलों के 83 ग्रामीण वार्डों में सबसे पहले सोलर स्ट्रीट लगाने का काम शुरू होने वाला है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही 1,88,00,000 की राशि को भी स्वीकृत कर दिया गया है, जिससे काम जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही अब 5 वार्डों में 880 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम होने वाला है। इसके लिए जिन जिलों का चयन किया गया है उसमें पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड की सिसुआ पंचायत, भोजपुर के जगदेशपुर प्रखंड की दावा पंचायत, नालंदा के हरनौत प्रखंड की बड़ाह पंचायत, मुंगेर के तारापुर प्रखंड की मानिकपुर और खगड़िया के परबत्ता प्रखंड की मुहद्दीपुर पंचायत का चयन किया गया है। THDC इंडिया लिमिटेड ऋषिकेश ने इंजीनियर के 109 रिक्त पदों पर निकाली रिक्तियां। टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDC इंडिया लिमिटेड ऋषिकेश उत्तराखंड ने इंजीनियर के विभिन्न डिसिप्लिन में कुल मिलाकर 109 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में बैचलर और PG डिग्री 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी पूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 अगस्त 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.thdc.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर CM नीतीश ने बुलाई बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जल जीवन हरियाली योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए बीते दिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया गया। इस बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के मिशन निदेशक राहुल कुमार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयवों पर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन हरियाली का मतलब जल और हरियाली के बीच ही जीवन है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राम दुलारी सिन्हा की। राम दुलारी सिन्हा स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यपाल थी। बिहार से राज्यपाल नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला रही तथा भारतवर्ष में चंद उन महिलाओं में से एक हैं जिनकी केरल के राज्यपाल पद पर नियुक्ति हुई थी। वे इस पद पर 23 फरवरी 1988 से 12 फरवरी 1990 तक रही थी। उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1992 पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य, 1962 में पटना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार सांसद, 1969 में सदस्य बिहार विधानसभा, 1971-77 में 1988 से 1990 में केरल के राज्यपाल के रूप में उन्होंने काम किया हुआ है। राज्यभर में आज भी रहेगा ऑनलाइन कर्फ्यू। बीते दिन शनिवार को राज्यभर में सभी ऑनलाइन सरकारी वेबसाइट बंद रही, वहीं आज भी राज्यभर में सरकारी विभाग से जुड़े किसी भी वेबसाइट पर ऑनलाइन काम नहीं होगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो सरकारी विभागों में ऑनलाइन कर्फ्यू चल रहा है, जो कि आज देर रात तक रहेगा। आपको बताते चले कि स्टेट डाटा सेंटर के मेंटेनेंस कार्य के चलते 2 दिनों तक ऑनलाइन सेवाओं को बंद किया गया है। इस सरकारी संस्थानों में उपकरणों की जाँच की जाएगी। सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग ने राज्य के अन्य सभी विभागों को यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक सरकारी विभागों की वेबसाइट अब आज देर रात या सोमवार सुबह तक ही सुचारू हो पाएंगी। बिहार राज्य आवास बोर्ड ने भू माफिया से सावधान रहने के लिए लगाए बोर्ड। राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। इस दौरान राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में बिहार राज्य आवास बोर्ड ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे से लोगों को सावधान रहने की अपील की है। इसके लिए राजीव नगर में जगह जगह पर बोर्ड लगाए गए हैं। इस बोर्ड पर लिखा गया है कि भू माफिया और दलालों से सावधान रहें, साथ ही सहकारिता विभाग के अधिकारियों की छानबीन में गृह निर्माण समितियों से जुड़ी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। गया के मंगला गौरी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शक्ति पीठम गया बिहार भारत में मंगला गौरी मंदिर का उल्लेख पद्म पुराण, वायु पुराण और अग्नि पुराण और देवी भागवत पुराण और माथ
गया के मंगला गौरी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शक्ति पीठम गया बिहार भारत में मंगला गौरी मंदिर का उल्लेख पद्म पुराण, वायु पुराण और अग्नि पुराण और देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में अन्य शास्त्रों और तांत्रिक कार्यों में किया गया है। यह मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। वर्तमान मंदिर 15वीं शताब्दी का है। यह मंदिर गया के मुख्य रूप से वैष्णव तीर्थ स्थल में सती या देवी माँ को समर्पित है। मंगल गौरी को परोपकार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर एक उप शक्ति पीठ का गठन करता है जहां यह माना जाता है कि सती के शरीर का एक हिस्सा पौराणिक कथाओं के अनुसार गिरा था। यहां सती को एक स्तन के रूप में पूजा जाता है जो पोषण का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जो भी माँ दुर्गा के पास अपनी मनोकामनाएं और प्रार्थनाएं लेकर आता है वह सभी प्रार्थनाओं और मनोकामनाओं के साथ सफलतापूर्वक लौटता है। बिहार यूपी के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार के भोजपुर जिले में नया रेलवे जंक्शन बनने जा रहा है। इस रेलवे जंक्शन के बन जाने से आरा शहर और यूपी के बलिया की दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि जल्द ही आरा शहर यूपी के बलिया से सीधे रेलवे लाइन से जुड़ने वाला है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे ने 61 किलोमीटर लंबे आरा बलिया ट्रेन रूट का सर्वे पूरा कर लिया है। इससे आरा और बलिया की दूरी 36 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। नई रेलवे लाइन भोजपुर जिले के मसाढ़, धमाड़, उमरावगंज और धमवल होकर बक्सर जिले के नैनीजोड़ के पास गंगा नदी को पार करके उत्तर प्रदेश में काठही, कृपालपुर, हल्दी, सोहिलपुर होकर बलिया के पास छपरा वाराणसी रेल लाइन में मिल जाएगी। इस रूट पर गंगा नदी पर नया रेल पुल भी बनाया जाएगा। बिहार के इकलौते जूट मिल पर लटका ताला। उद्योग मंत्रालय एक और जहां बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दावे कर रही है, जिसमें बियाडा, पेप्सी, ब्रिटेनिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी विदेशी कंपनियां बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश भी कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार का एकमात्र जूट मिल में ताला लग चुका है। आपको बता दें कि बिहार का इकलौता समस्तीपुर जूट मिल में बिना किसी पूर्व सूचना के ताला लग गया है। बिना सूचना मिल बंद किए जाने से काम करने वाले मजदूरों के बीच रोजगार का संकट गहराने लगा है। मिल प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब मजदूर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं मजदूरों के आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन ने जूट मिल में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। इस नए डिवाइस से चलती ट्रेन में आपको मिल सकेगी कंफर्म टिकट। रेल यात्रियों को रेलवे ने खुशखबरी दी है और यह खुशखबरी ये है कि अब आपको चलती ट्रेन में कंफर्म टिकट मिल सकेगा। रेल यात्रियों को यह सुविधा मुहैया कराने के लिए रेलवे ने टीटीई को बेहद हाईटेक सुविधा युक्त तकनीकों से लैस किया गया है। दरअसल रेल प्रशासन ने टीटीई को HST यानी हैंड हेल्ड टर्मिनल नामक एक डिवाइस दिया गया है। यह डिवाइस देखने में टैब जैसा दिखाई देता है। शुरुआती चरण में रेल विभाग ने सहरसा से पटना आने जाने वाले सुपरफास्ट राज्य रानी एक्सप्रेस में इसकी शुरुआत की है। समस्तीपुर मंडल के DRM की माने तो धीरे धीरे सभी ट्रेनों में HST की सुविधा बहाल करने की योजना है। फिलहाल समस्तीपुर मंडल में TTE को 64 HST दिया गया है। डायल 112 पर फेक कॉल करने वालों पर होगी कार्रवाई। राज्यभर में हाल ही में डायल 112 की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें आपको एक ही नंबर पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और इससे जुड़ी अन्य सुविधा मिल जाती है। डायल 112 की सुविधा शुरू होने के 20 दिन बाद लगभग 2905 मामलों के निष्पादन किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामला घरेलू हिंसा को लेकर है। साथ ही आपसे झगड़े और एक्सीडेंट के भी मामले पहुंच रहे हैं। हालांकि खबर यह भी है कि इस दौरान जितने भी फोन कॉल्स आए हैं उनमें 90% फेक कॉल्स आ रहे हैं। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में ERV के इंचार्ज SP धूरत साइली सावला राम ने बताया कि कॉल करके लोग मोबाइल रिचार्ज करने और कस्टमर केयर का नंबर मांगते हैं। हालांकि फेक कॉल करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस फेक कॉल करने वालों को सबसे पहले ट्रेस करेगी। अभी फिलहाल इन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। बिहार के इस जिले में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर। बिहार सरकार बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए उद्योग विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है और एक दिन ऐसा आएगा जब बिहार इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का हब बनेगा। उद्योग विभाग की योजना देश विदेश की बड़ी कंपनियों को बिहार लाने की है। इनके आने से इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का आयाम और भी बड़ा हो सकेगा। आपको बता दें कि विभाग ने इसके लिए बेगूसराय में 200 एकड़ जमीन चिन्हित की है। यहाँ कम से कम 300 करोड़ निवेश की योजना है। वहीं आवश्यकता के रूप राशि बढ़ भी सकती है। इस इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर में कम से कम 2500 से 3000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।
बिहार में कमजोर हुआ मॉनसून, फिर सताएगी गर्मी। बिहार में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से आम लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर भी देखने को मिली है। लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से मॉनसून के कमजोर होने की बात कह दी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जून के आखिरी सप्ताह में ही बता दिया था कि इस बार जुलाई के महीने में कम बारिश होगी, जिसकी स्थिति अभी से दिखाई दे रही है। महीना अब समाप्त होने वाला है, लेकिन प्रदेश के सभी जिलों में झमाझम बारिश देखने को नहीं मिली है। ऐसे में किसान कहने लगे हैं कि इस बार भी लगता है सुखाड़ की मार झेलनी पड़ेगी। विभाग की माने तो पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में एक से दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। साथ ही यह भी कहा गया है कि दक्षिण के जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। बिहार के सभी कस्तूरबा विद्यालयों का होगा औचक निरीक्षण। बिहार के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का जल्द ही औचक निरीक्षण शुरू हो रहा है। खबर के अनुसार बिहार के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संचालन व्यवस्था दुरुस्त करने तथा यहां रहकर पढ़ाई करने वाली गरीब घर की बेटियों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसके बाद किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत ही कार्रवाई तेज की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सारी जानकारी साझा कर दी है। इस दौरान ही उन्होंने साफ कर दिया है कि एक सप्ताह के अंदर इन विद्यालयों की छात्राओं को सभी सुविधाएं, पाठ्य पुस्तक एवं खेल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। स्पेशल ओलंपिक्स में हैंडबॉल के राष्ट्रीय कोचिंग कैंप में बिहार से 10 खिलाड़ियों का चयन। हरियाणा के सोनीपत में आयोजित होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स हैंडबॉल राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के लिए बिहार की 10 सदस्यीय टीम का चयन हुआ है। यह टीम बीते दिन सोनीपत के लिए रवाना हुई। वहीं सोनीपत में आज से यानी 24 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स हैंडबॉल के राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के लिए स्पेशल ओलंपिक्स में बिहार के 8 मानसिक दिव्यांग खिलाड़ी, एक यूनिफाइड पार्टनर एवं उनके एक प्रशिक्षक शामिल हैं। वहीं स्पेशल ओलंपिक से जुड़े डॉक्टर धनंजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के आधार पर 2023 में बर्लिन में आयोजित होने जा रहे स्पेशल ओलंपिक्स और वर्ल्ड समर गेम्स के लिए भारतीय दल का चयन किया जाएगा। राज्यभर में कुल 7,10,000 फर्जी राशन कार्ड किए गए रद्द। बिहार में ऐसे राशन कार्डधारी जो कि राशन कार्ड प्राप्त करने के नियमों के दायरे में नहीं आते हैं, ऐसे राशन कार्डधारी फर्जी हैं और बिहार सरकार ने ऐसे करीब 7,10,000 फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया है। दरअसल राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी को एक प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि देशभर में 2017 से 2021 तक के कुल 5 साल में डुप्लीकेट, अपात्र और जाली कुल 2,41,00,000 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। वहीं बिहार में इसकी संख्या 7,10,000 है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जगदानंद सिंह की सलाह, तेजस्वी को नेता मान लें। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। दरअसल जदयू और बीजेपी की तानातनी के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ताजपोशी की जा रही है। वैसे तो आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप देनी चाहिए। वहीं एक बार फिर जगदानंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी के लिए जनता ने तय कर दी है। जनता का माइंड नीतीश कुमार ने लूटा है, इसका वे प्रायश्चित करे। यही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तेजस्वी यादव को नेता मान ले, सब हो जाएगा। सहनी ने पहले नीतीश कुमार को बनाया सीएम, अब खुद बनाएंगे बिहार में वीआईपी की सरकार। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का विधान परिषद एमएलसी का कार्यकाल 21 जुलाई गुरुवार को खत्म हो गया। कार्यकाल खत्म होने के बाद जब पहली बार मुकेश सहनी मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार को निषाद के बेटे ने ही मुख्यमंत्री बनाया था। एटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल पूरे बिहार में गांव-गांव में घूमकर सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। कभी हम 4 विधायक थे, आने वाले समय में 40 होंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वीआईपी बिहार में सरकार भी बनाएगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 2024 में निषाद के बेटे ने नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बनाया था, यह हमारी उपलब्धि है। जीतन राम मांझी ने जीएसटी पर पुनर्विचार करने की कही बात। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिस पर ही अब बिहार के राजनीतिक गलियारे में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसके तहत ही बीते दिन हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी सरकार से इस मामले में पुनर्विचार करने की बात कही है, जिसके तहत ही बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, तो ऐसे समय जरूरी खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर सरकार ने क्रूर मजाक किया है। मोदी सरकार के इस कदम से महंगाई और बढ़ेगी,
केंद्र सरकार को एक बार पुनः इस फैसले पर विचार करना चाहिए। देश के लोगों की बढ़ती महंगाई ने एक तो पहले से ही कमर तोड़कर रख दिया है, ऊपर से यह बढ़ते टैक्स ने लोगों की जेबें खाली करके रख दी है, जिसको लेकर लोगों ने केवल आक्रोश ही बढ़ेगा। महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए पप्पू यादव महिलाओं को कर रहे प्रेरित। बेबाकी से सत्ता पक्ष पर हमला करने वाले पप्पू यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार को आईना दिखाया और मिडिल क्लास के बच्चों की पढ़ाई की स्थिति से रूबरू करवाया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ने के लिए पेंसिल खरीदने में भी सक्षम नहीं है। मिडिल क्लास के लोग इलाज नहीं करवा पाएंगे, गरीब लोग अस्पताल में ऑपरेशन नहीं करवा पाएंगे। महंगाई के खिलाफ ये लड़ाई 14 और 16 डिग्री में कर नहीं जीता जा सकता है। हमें सड़क पर निकलकर पदयात्रा करना पड़ेगा। हमें युवाओं और छात्रों को साथ लेकर चलना होगा। हमारी पार्टी हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रही है। हम सिर्फ कहते नहीं बल्कि जमीन पर काम करते हैं। हम चाहते हैं कि महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व महिलाएं करें। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। सोना बाजार इंग्लिश फुटबॉल टीम ईस्ट सरे को हराने वाली पहली भारतीय टीम 1890 को बनी। रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना 1932 में की गई। भारत में लोकसभा में 73 विपक्षी सदस्यों ने 1989 में बोफर्स तोप के मुद्दे पर सदन में इस्तीफा दे दिया और जिसे स्वीकार कर लिया गया। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 को संसद में बजट पेश किया, जिसने भारत के लिए आर्थिक उदारीकरण के रास्ते खोल दिए। इस विजय लक्ष्मी 2000 में शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी। भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का जन्म 24 जुलाई 1911 को हुआ था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का जन्म 24 जुलाई 1928 में हुआ था। असम के सामाजिक कार्यकर्ता तरुण राम फूकन का निधन 24 जुलाई 1939 को हुआ था। वहीं असम के सामाजिक कार्यकर्ता तरुण राम फूकन का निधन 24 जुलाई 1939 को हुआ था। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी खेल सकते हैं विदेशी T20 लीग। IPL के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ भारतीय खिलाड़ियों को विदेशों में लीग खेलने की अनुमति देने की मांग काफ़ी बढ़ गई है। इसको देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आने वाले समय में भारतीय क्रिकेटरों को भी विदेशी T20 लीग में खेलने की अनुमति दे सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में IPL की 6 फ्रेंचाइजी ने साउथ अफ्रीका T20 क्रिकेट लीग में टीमें खरीदी हैं। वहीं IPL फ्रेंचाइजी के दबाव में अब BCCI भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी फ्रेंचाइजी लीग में खेलने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। इनसाइडर स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार इसकी जानकारी दी गई है कि इस मामले पर अंतिम फैसला सितंबर में होने वाले BCCI की AGM में लिया जाएगा। ऐसे खाली करें फुल जीमेल स्टोरेज। फोन की फोटो गैलरी साफ करने का ध्यान तो सभी को होता है, लेकिन जीमेल का नहीं। मालूम हो कि गूगल अकाउंट पर सिर्फ 15 GB स्टोरेज मुफ्त मिलती है। इस स्टोरेज में जीमेल के अलावा गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव और बाकी गूगल सर्विस का डाटा भी शामिल होता है। ऐसे में अगर आपका डाटा 15 GB के पास पहुंचता है तो ऐसे में आपको स्टोरेज फुल होने का नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगा। ऐसे में जीमेल स्टोरेज खाली करना चाहते हैं तो पहले लार्ज ईमेल डिलीट करें। इसके लिए आपको अपने जीमेल में has:attachment:larger:10m लिखकर सर्च करना होगा। ऐसा करने से 10MB से बड़े साइज वाले सभी ईमेल्स आ जाएंगे। अब आपको उन सभी ईमेल्स को सेलेक्ट करना होगा। भाभी जी घर पर हैं, फेम मलखान ने दुनिया को कहा अलविदा। भाभी जी घर पर हैं कि फेम मलखान का किरदार करने वाले कलाकार दीपेश भान ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार दीपेश दोस्तों संग क्रिकेट खेल रहे थे और बेसुध होकर अचानक गिर पड़े। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की असल वजह खबर लिखे जाने तक सामने नहीं आई थी, जिसके बाद से ही टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ गई है। लगातार दूसरे दिन बिहार में मिले COVID-19 के 400 से कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 321 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2322 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 22, औरंगाबाद में 1, बांका में 1, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 30, दरभंगा में 4, जमुई में 1, जहानाबाद में 5, कटिहार में 1, खगड़िया में 4, किशनगंज 10, मधेपुरा में 4, मुंगेर में 11, मुजफ्फरपुर में 18, नालंदा में 16, पटना में 122, पूर्णिया में 10, रोहतास में 7, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 3, सारण में 5, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 3, सुपौल में 24, वैशाली में 6, पश्चिम चंपारण में 1 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 119,735 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 250 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमित कुमार राज, अतीक खान, पवन कुमार यादव, अनिकेत कुमार चौबे, सुकन्या, जयनंदन ठाकुर, मोहम्मद इरफान, सुरभि कुमारी, पवन सिंह, कमला अग्रवाल, अनवर करीम खान, रेणु कुमारी, तौहीद रईस, उमेश महतो, मोहम्मद इरफान और राजेश कुमार यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भारतीय टीम आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाले दूसरे वनडे मैच में जीत के साथ सीरीज पर कब्जा कर पाएगी या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।